सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने के साथ साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विश्वयुद्ध में। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताऊंगा कैसे आप BGP प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल दिस इज अ टाइप्स ऑफ एक्सटीरियर प्रोटोकॉल है, यानी कि जैसे इंटीरियर प्रोटोकॉल है RIP, OSPF, PIGRP, वैसे भी BGP जो है वो एक्सटीरियर प्रोटोकॉल यानी कि बॉर्डर गेटेड प्रोटोकॉल, यानी कि ये दो राउटर या तीन राउटर या एक से ज़्यादा राउटर का कम्युनिकेशन करने के लिए या राउटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक सिंपल सा टोपोलॉजी है जो 10 का नेटवर्क इसमें दिया हुआ है एंड 20 का वाला है एंड 30 का वाला नेटवर्क इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन मैं कर लेता हूँ, जो बेसिक वाला कॉन्फ़िगरेशन है फटाक से मैं कर लेता हूँ। तो तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अगर मेरा जो लोकल नेटवर्क है वो रेडी है, अगर मैं पिंग कर रहा हूँ इस नेटवर्क को, तो दिस गोज सक्सेसफुल है एंड दिस वन आल्सो भी सक्सेसफुल। ठीक है, लेकिन मुझे डेटा जो भेजना है वो मुझे ए वाला नेटवर्क से लेकर इस नेटवर्क को भेजना है, इसमें डेटा फेल होगा ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई राउटिंग प्रोटोकॉल अभी इसमें किया नहीं है। तो अभी मैं इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल करूँगा जो BGP का यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू द कॉन्फिगर टर्मिनल मोड। ठीक है, एंड राउटर BGP। ठीक है, एंड देन इसमें आपको एक ID देना है। ठीक है, इसमें ऑटोनोमस सिस्टम ID यूज़ होता है, जैसे OSPF में प्रोसेस ID यूज़ होता है, इसमें ऑटोनोमस सिस्टम ID का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोनोमस सिस्टम ID इसमें 100 दे रहा हूँ। ठीक है, एंड देन नेटवर्क डालना है मुझे, जो नेटवर्क इसका खुद का नेटवर्क है विच इज़ 10.0.0.1 एंड नेटवर्क 20.0.0.1। ओके, इतना होने के बाद मुझे देना है नेबर राउटर का। ठीक है, तो नेवर। ठीक है, नेवर के बाद मुझे क्या देना है, देखिए नेवर देखा, नेवर एड्रेस देना है जो मेरा नेवर मींस मेरा जो ए वाला जो राउटर है, तो फर्स्ट राउटर के पास ए वाला जो राउटर है इसका नेवर है। ठीक है, तो एड्रेस दे में मेरा एक जो है वो 20.0.0.1 है। ठीक है, सॉरी 2 है, एंड इसका क्वेश्चन मार्क लगाइए, देखिए इसमें दिख रहा है कि रिमोट एस, तो रिमोट एस में ले रहा हूँ इसका जो ID है, तो इसका प्रोसेस ID में 200 डालूंगा। ठीक है, ओके, सेम मुझे देना है, कमांड देना है नेबर दूसरी नेटवर्क के लिए विच इज 30.0.0.1। ठीक है, एंड रिमोट एस जो 200 हो गया, एंड सेम कॉन्फिगर मुझे इसमें भी करना है, लेकिन इस प्रोसेस ID मुझे डालना है 200, क्योंकि इसमें मैं डाला था 200। एग्जिट ऑटोनोमस ID, सॉरी राउटर BGP, देन 200। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क, नेटवर्क जो आएगा मेरा 20 का नेटवर्क है, 20.0.0.2, एंटर नेटवर्क। उसके बाद दूसरा जो नेटवर्क है मेरा, इसका खुद का नेटवर्क है, नेटवर्क जो है दूसरा 30.0.0.1, एंटर। उसके बाद नेबर, नेबर के बाद इस वाला जो ए वाला जो राउटर है, ए वाला राउटर का मुझे इसमें ए वाला जो राउटर है इसका IP देना है, यानी कि 10.0.0.1 एक नेबर में जाएगा, दूसरा जो 20.0.0.1 जाएगा। ठीक है, नेबर 20.10.0.0.1 एंड इसका जो रिमोट एस आएगा वो कौन सी होगा, 100 आएगा, क्योंकि ए वाला जो राउटर है, ए वाला जो राउटर इसको 100 दिया था। ठीक है, एंटर। दूसरा जो नेबर है वो 20.0.0.1 रिमोट एस 100। ठीक है, इतना होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन देखिए एडजस्टमेंट आ चुका है, तो अभी देख सकते हैं अगर मैं डेटा भेजूंगा, इफ़ आई ट्राई, तो सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल है।
इन प्रोग्रेस फेल सक्सेसफुल। आप पिंग कमांड का यूज़ करके आप देख सकते हैं कि डेटा जा रहा है कि नहीं। तो पिंग मैं 30 नेटवर्क कर रहा हूँ, 2 रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। यानी कि मेरा जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि बाई यूजिंग द बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। सेम इसमें पिंग यूज़ कर रहा हूँ 10 डॉट, रिप्लाई आ रहा है। दैट्स मीन मेरा जो बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे करके आप बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड अपनी जो अपना जो राउटर है, एक से जितना भी ज़्यादा राउटर होगा उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सिस्को से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल में है, तो आप जाके देख सकते हैं अगर पसंद आया तो, ठीक है। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड स्टिल वेट फॉर नेक्स्ट।